दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन गार्डनिंग। और देखिए हमारे अभी जो गार्डन में है सो अभी क्या क्या सब लगा हुआ है, तो आप देखिए ये जो कंटेनर है दोस्तों, इसमें लगा हुआ है राई पत्ता का साग, जो बहुत इजीली से आप उगा सकते हैं और अभी से लेके आप मार्च तक इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो फूल निकलता है वो सरसों की तरह पीला फूल रहता है और लगता ही है कि ये सरसों का पौधा है। तो इसमें यही खासियत है, आप जब बड़ा हो जाता है तो इसको आप पहचान नहीं पाएंगे कि सरसों है या राई पत्ता है। तो दूसरा आता है दोस्तों, ये है मेथी, जो कि अभी हम जर्मिनेट किए हैं और एक बार हार्वेस्ट भी कर चुके, दूसरा बार इसको इसमें लगा दिए हैं। ये दोस्तों है, इसमें जो है सरसों के साग बोए थे और कुछ सरसों जो है इसमें फिर से हम लगा दिए, कुछ पौधा जो है सो तैयार हो रहा है खाने के लिए तो उसको हम छोड़ दिए। ये देखिए मेरा मेथी का साग है जो कि हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है, तो इसको फिर हम मेथी के साग को हार्वेस्ट करेंगे और फिर से इसमें ही लगा देंगे। ये हल्दी का पौधा है जो कि बहुत सारा जो है से नीचे गिर रहा था एकदम लूज होके, और बहुत बड़ा हो जाता है तो नीचा गिरना उसका लाजमी है। तो ये हम जो है सो हल्दी का पौधा इस तरह बांध दिए हैं। इसमें दोस्तों स्ट्रॉबेरी लगाए थे लेकिन ये स्ट्रॉबेरी जो है सो हम दूसरा में रिपोर्ट कर दिए। इसमें भी हल्दी है, हल्दी दो कंटेनर में है और इस तरह है, तो आप अभी देख सकते हैं इसका जो है सो पत्ता पीला होने ही लगता है समय के साथ साथ। ये हम जो है सो खुद से उगाया था अपने गार्डन में तो लगा दिए हैं, टमाटर है और इसको हमको स्प्रे करना पड़ेगा जो है सो हम देखिए इसमें डेफेनबेकिया है और ये कोलियस है प्लांट, और भी जो कुछ प्लांट होता है तो इसमें हम इसको लगा देते हैं। और ये मेरा जो देखिए ये सरसों का साग है और ये क्या है दोस्तों, ज़रूर बताएं आप लोग, इस पौधे का नाम हम नहीं बताएंगे, ज़रूर आप लोग बताएं। और इसमें तो आप देख सकते हैं पुदीना का पत्ता है, इसको हम खाद के लिए तैयार करके रखते हैं इसमें। और ये जो है से पूरा सरसों का साग भरा हुआ है, पूरा सरसों का साग जो है भरा हुआ और तोड़ने के लिए तैयार है, पूरा तैयार हो गया। इसमें भी दोस्तों हम मेथी लगा दी हैं कि मेथी का साग जो है एक बार में ही आप लगा के उखाड़ सकते हैं, इसीलिए हम जो है सो दो से तीन कंटेनर में लगाते रहते हैं। और ये है सरसों का साग, इसी में हम जो है सो एक जब उखाड़ लेंगे तो इसको छोड़ देंगे। देखिए इसमें भी कुछ जो है सो निकल आया है, और ये जो है सो टमाटर है, देखिए फ्लावरिंग कर रहा है टमाटर। और इसमें जो है सो दोस्तों मूली है, और मूली के साथ जो है सो हम इसमें लगा दिए मिर्ची, मिर्ची जो है सो इधर जो है देखिए इसको धूप लगता है तो बहुत अच्छा मिर्ची है, इधर इसमें को छाया आ रहा है तो ये जो है सो ये हो गया है, कुकड़ी लग गया है इसको। और मूली जो है सो अभी तोड़ने लायक नहीं है, बैठ रहा है, तो मूली सबको अभी हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें दोस्तों राई पत्ता है और एक मिर्ची है। इसमें दोस्तों जो है सो आप देख रहे हैं तो ये जो है सो अदरक है, अदरक जो है से 7 से 8 महीना 9 महीना तक ये आप तब तैयार होता है, बहुत दिनों ये समय लेता है। तो दोस्तों इसमें जो आप देख रहे हैं ये है टमाटर का पौधा, और 3 पौधे लगा दिए हैं जो कि एक फ्लावरिंग ले रहा है। और इसमें दोस्तों मूली है, मूली जो है सो हम 3-4 हार्वेस्ट कर चुके हैं और कुछ तैयार हो रहा है, तो बहुत अच्छा इसका पौध भी है, मूली भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों इसमें बैंगन है, तो बैंगन तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना सुंदर प्यारा बैंगन है, उजला वाला, और सारा भी फ्लावरिंग ले रहा है और कुछ तैयार है, देखिए ये सब बैंगन। तो 6-7 बैंगन है जो कि तोड़ने लायक भी है कुछ, और कुछ जो है सो फ्लावरिंग ले रहा है। तो 2 कंटेनर में दोस्तों हम बैंगन लगाए हुए हैं जो हमेशा कुछ न कुछ फला ही रहा। धनिया है, धनिया 2 कंटेनर में दोस्तों लगाए हुए हैं जो बहुत सुंदर ये देखिए पूरा भरा हुआ है। और ये इसमें भी हम टमाटर लाए जो देखिए फूल से फ्लावरिंग ले रहा है, 3 टमाटर इसमें हम लगाए हुए हैं।
और ये दोस्तों ये चाइनीज़ बंधा गोभी है जो कि हम 3 कंटेनर में लगाए हुए हैं। और देखिए कि इसका जो कितना बहुत अच्छा इसका ग्रोथ है। ये जो देख रहे हैं ये भी है चाइनीज़ बंधा गोभी, इसमें भी हम मूली लगा दिए, मूली है अभी। और उसमें जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें जो आप देख रहे हैं दोस्तों, तो इसमें जो है सुमराई पत्ता 2 लगाए हैं, और ये जो आप देख रहे हैं सरसों का साग लगा दिए थे। तो बहुत सारा अच्छा, इसको तो पूरा हम हार्वेस्ट कर लिए, कुछ जो है सो हार्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों तो ये मेरा जो है कंटेनर में है ये पौध सब तैयार। तो आप लोग को कैसा ये वीडियो लगा कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।